अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं बना रही हूँ शिकंजी मसाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल गर्मियों का मौसम है और आने वाले दिनों में बहुत हब्स और पसीना होगा, तब शिकंजी से ज़्यादा अच्छा कोई मशरूब नहीं होता, क्योंकि इससे पीने से एक तो जिस्म को तवानाई मिलती है, दूसरा जो नमकियात हमारी कम हो जाती हैं वो पूरी होती हैं। तो चलें देखें कि मैंने ये किस तरह बनाया है, और आप भी बना के रखें और गर्मियों से में इससे फायदा उठाएं। सबसे पहले मैंने एक टेबलस्पून काली मिर्चें, 6 अदद सब्ज इलायची, 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून कच्चा जीरा, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून पिंक सॉल्ट और 1 टेबलस्पून व्हाइट सॉल्ट। अब ये सब चीजें मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी, यानी फाइन पाउडर बना लूंगी। अब ये मैं छान लूंगी ताकि अगर कोई चीज मोटी रह गई है तो वो निकल जाए। ये पाउडर मैंने छान लिया है। अब इसे एयर टाइट जार में डाल के आप महीना 2 महीने के लिए भी बना के रख सकते हैं, और जिस वक्त चाहें फिर आप शिकंजी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने शिकंजी बनानी कैसे है। शिकंजी भी हम 2 तरह की बनाएंगे, एक सादा और एक सोडे वाली। अब सबसे पहले 1 टीस्पून मसाला डालेंगे हम गिलास में। एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। दो टेबल स्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून। अब दूसरी हम बनाएंगे सोडे वाली। 1 टीस्पून हमने डाला उसमें मसाला, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि सोडा ऑलरेडी मीठा होता है, इसमें काफी चीनी होती है, इसलिए इसमें हम सिर्फ सोडा ही डालेंगे। बर्फ भी आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना ठंडा पीना चाहते हैं डालें। अब पुदीना डालेंगे हम इसमें। ये हमारा शिकंजी मसाला, सादा शिकंजी और सोडा शिकंजी तैयार हो चुका है। ये एक ही वीडियो में हमने 3 काम किए हैं। आप ये देखें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।